हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ केसर वाली खीर की रेसिपी। ये खीर बहुत ज़्यादा यम्मी होती है, तो आज रेसिपी को शेयर करूँगी आप सभी के साथ भी, और आप भी बना के देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी आप सभी को ये खीर। खीर बनाने के लिए एक भगोने में मिल्क ऐड किया जाएगा, और यहाँ पर मैंने काऊ का मिल्क लिया है, फुल क्रीम मिल्क है ये, और आप चाहें तो बफेलो मिल्क भी ले सकते हैं। और उसके लिए उसके बाद गैस को ऑन कर देंगे। इसके साथ ही हमें राइस की नीड होगी, और राइस को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। ओवरनाइट सोक्ड राइस में से हम वाटर को अलग करके सारे राइस को अपने मिल्क में ऐड कर देंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक राइस अच्छे से पक नहीं जाता है। जब तक हमारे राइस अच्छे से पकते हैं तब तक इसी बीच हम एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर उसमें केसर को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, ताकि ये जो है अपना कलर छोड़ देगी, और लास्ट में इसको हम जो है अपनी खीर में ऐड करेंगे। साथ ही खीर को हम कंटिन्यूसली चलाएंगे भी, ताकि जो चावल है वो नीचे तली पर लग कर जल ना जाए। और जब चावल अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। खीर में डालने के लिए मैंने लिया है काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता, सबको मैंने अच्छे से चॉप्ड कर लिया है। तो जैसे हमारी खीर के राइस जो है पक चुके हैं, उसमें हम ड्राई फ्रूट्स को सारे को ऐड कर देंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर चॉप्ड मखानों को भी ऐड कर दिया है। आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खीर में ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें स्वीटनेस के लिए मैं शुगर ऐड करने जा रही हूँ, और शुगर का मेजरमेंट आप ऐसे ले सकते हैं जितने आपने राइस लिए हैं उतनी आपको शुगर लेनी है, और इसको अच्छे से डालकर मिक्स कर देना है। और शुगर को पहले से इसलिए ऐड नहीं करते हैं तो राइस को पकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और अब भी हम इसमें जो हमने केसर वाला दूध बनाकर रेडी रखा था उसको भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर थोड़ी सी देर इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। चीनी के अच्छे से घुल जाने के बाद लास्ट में हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इलायची का पाउडर ऐड करने के बाद हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। और इसको केसर वाली खीर को यूजुअली लोग ठंडा खाना पसंद करते हैं, हमारे घर में भी सबको केसर वाली खीर ठंडी खाना बहुत पसंद है। तो इसको मैं फ्लेम से उतार कर नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दूंगी, उसके बाद इसे एक सर्विंग डिश में सर्व कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी केसर वाली खीर बिल्कुल बनकर रेडी है, जो हल्की सी थिक हो जाती है जब इसको ठंडा कर देते हैं हम, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। इसको मैं एक सर्विंग डिश में निकालूंगी, साथ में ऊपर से गार्निश करूंगी कुछ आलमंड्स एंड पिस्ता से। सो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को भी ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर इसको एक बार अपने घर पर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी बेनिफिशियल रेसिपी है, साथ में एक बहुत ही यम्मी डिज़र्ट होता है जो कि घर पर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching. Bye bye guys. See you soon in next video. Till then take care.